भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में फिल्मी सितारों की भी बड़ी संख्या देखने को मिली है। सभी राम की भक्ति में लीन भी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन वो भी यहां पर नजर आए हैं, उनको भी स्पॉट किया गया है अयोध्या में। और ये आप देख सकते हैं पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा वो भी नजर आए हैं भारी सुरक्षा के बीच। और ये कैलाश खेर आप देखिए, कैलाश खेर ने तो अपनी प्रस्तुति भी यहां पर दी है, उन्होंने भजन भी गाए हैं और वो भी यहां पर पहुंचे थे। और तमाम दिग्गज जो हैं बॉलीवुड के वो यहां पर नजर आए हैं, बॉलीवुड हस्तियां ये आप देख सकते हैं। आपको रोहित शेट्टी नजर आ रहे हैं और विक्की कौशल, कटरीना कैफ आपको नजर आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर वाले जो बाबा हैं वो भी नजर आए हैं, योग गुरु बाबा रामदेव वो भी यहां पर पहुंचे हैं। तमाम हस्तियों ने भी आज शिरकत की है, वो भी साक्षी बने हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अनिल कुंबले भी पहुंचे हैं और अनिल अंबानी, चिरंजीव रामचरण, अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, तमाम दिग्गज आज यहां पर नजर आए। बुक कर दिया प्रभु श्री राम ने, उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था, बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का, हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। So beautiful, it is once in a lifetime and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. राम मंदिर के यहाँ बुलाना भी इतने बड़ों के साथ हमें बुला लिए, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला है क्योंकि भक्त तो है, भक्त भक्ति रहता है। आज हम अयोध्या नगरी में आए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी पौराणिक काल में पहुंच गए हों, जहां पे हम लोग सुनते थे अद्भुत कथाएं कि कैसे कैसे बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जहां पे देव गंधर्व सारी सृष्टि से जो है वो आया करते थे। उस तरह का ये एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक सा एक एक्सपीरियंस लग रहा है। और जहाँ तक हम विकास की बात करें, जो योगी जी की सरकार है उन्होंने पूरी काया पलट दी है उत्तर प्रदेश की, क्या हुआ करता था पहले और अब क्या हो चुका है। और आई थिंक ये जो हमारी जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम की, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में क्या होने वाली है, और डेवलपमेंट को ही ना लेके सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेके, और हमारे जो आइकॉन है रामलला वो बहुत पूरी दुनिया का जो है मार्गदर्शन करने वाले हैं। जय हिंद। भावुक फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।